हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप आज आप सब लोग बहुत खुश होंगे जिन्होंने नीट 2024 का आज का पेपर अटेंड किया है। उन बच्चों की बात हो रही है बिकॉज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2023 एंड 2022, इस साल का जो नीट का पेपर था, इट वॉज लिटरली फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल। टफ बोले ऐसे सिर्फ दो या तीन ही क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन में मुझे आज दिखाई दिए। एंड जैसे मुझे बच्चों से फीडबैक मिला तो केमिस्ट्री का जो सेक्शन था, इट वॉज ऑल्सो वेरी मच ईजी। एंड आज का ये जो वीडियो है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अगले साल 2025 में नीट का एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, क्योंकि अगले साल आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट के क्वेश्चंस आखिर नीट में पूछे जाते हैं। ओके, अगर हम नीट 2022 पेपर की बात करें तो कंप्लीट पेपर स्टेटमेंट बेस्ड था, जस्ट एक या दो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। 2023 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था एंड 2024 का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस को लेकर बहुत लोगों के दिल में थोड़ी सी हलचल थी कि रिड्यूस्ड सिलेबस तो बोला है पर क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कॉकरोच को बोला गया था कि एनसीईआरटी से रिड्यूस हो गया है, मतलब एनसीईआरटी की अपडेटेड बुक में कॉकरोच दिया ही नहीं है, एनिमल टिश्यू का पोर्शन दिया ही नहीं है। ओके, बट वेबसाइट पे स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉकरोच ऐसा है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। सो कॉकरोच के बच्चों दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनिमल टिश्यू जो कि कहीं पर भी मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं, उसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे तीन क्वेश्चन थे जो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो रिड्यूस सिलेबस के हैं लेकिन फिर भी वो पूछे गए थे आज के पेपर में, ठीक है। लेकिन जिन्होंने आज का पेपर दिया, ऑलरेडी आप लोगों के पास में पुरानी वाली एनसीईआरटीज थी तो उसमें से तो आप लोगों ने रीड किया ही होगा। सो ऑफकोर्स ये भी कोई क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ी डील नहीं थे। कॉकरोच के दो क्वेश्चन में से एक एनल सरसाए का क्वेश्चन था, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का था, एंड एनिमल टिश्यू में मैच द पेयरिंग में था कि अलग अलग तरह के टिश्यूज ऑर्गन। और अक्सर मैं एनिमल टिश्यू पढ़ाते वक्त अपने बच्चों को राइट फ्रॉम लास्ट 10 to 12 ईयर्स ये कंटिन्यूस बताते आ रही हूँ कि एनिमल टिश्यू पे जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम टाइम वही आता है कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है। और आपको भी शायद याद होगा, मैंने लास्ट ईयर जब आपको पढ़ाया रिड्यूस सिलेबस होने से पहले, तब भी यही बोला था और वही क्वेश्चन आज आया है। इनफैक्ट जो वर्कशीट, जो मॉडल्स हम बच्चों को हमारे क्लास में देते हैं, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे आज दिखाई दिए कि एज इट इज थे। इवन सीक्वेंस भी चेंज नहीं था और ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। ओके, सो नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन में भी बच्चों का यही फीडबैक रहा कि मैम वर्कशीट और मॉडल्स के बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज आज हमें इस पेपर में देखने को मिले। सो चलो हम इस पेपर के एनालिसिस के तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज लेते हैं यूनिट वाइज एनालिसिस। जैसे हम जानते हैं कि टोटल बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 11th के एनसीईआरटी में वॉल्यूम 1 में 5 यूनिट्स है एंड 12th के एनसीईआरटी मतलब वॉल्यूम 2 वहां पे है लास्ट 5 यूनिट। ओके, तो यूनिट वाइज जो ब्रेकअप है क्वेश्चंस का वो आज हम जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं यूनिट वन, जिसे कि हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड, और उसमें 5 किंगडम्स आते हैं टोटल। सो लिविंग वर्ल्ड का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, नॉमेनक्लेचर एंड ऑल, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओके, मोनेरा का एक आधा क्वेश्चन मुझे तो वैसा दिखा नहीं, लेकिन फंगाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये मिलाकर यूनिट वन पे पूछे गए थे सिर्फ 6 क्वेश्चंस, जो इस बार थोड़े से मुझे लगे कम है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, यूनिट टू, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं एंड एनाटॉमी की बात करते हैं, जिसमें एनिमल टिश्यू भी आता है, फ्रॉग का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। यस, बट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के मिला के टोटल थे 14 क्वेश्चंस एंड इसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे मॉर्फोलॉजी के। ओके, और एनाटॉमी के भी, लेकिन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस थे। उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट 3 के तरफ। सो यूनिट 3 जो है, इसमें आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स, तो इसका मिला करके टोटल था 13 क्वेश्चंस का वेटेज। अब ये जो 13 क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब इसमें से हार्डली था तो क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जो कंफ्यूजिंग टाइप या फिर जिसपे हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बायोमोलिक्यूल्स लेसन को लेके बच्चे हमेशा मुझे बोलते हैं कि वो थोड़ा हमें टफ जाता है, पर बिलीव मी एंजाइम्स के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ईजी थे। इवन सीक्वेंस में क्वेश्चन आया था कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या है, जैसे सब्सट्रेट के एक्टिव साइड को एंजाइम जाकर बाइंड हो गया, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, सब्सट्रेट के बॉन्ड्स वीक हो गए, प्रोडक्ट रिलीज हो गया, एंजाइम रिलीज हो गया, इस टाइप के तो इजी क्वेश्चंस थे। ओके, उसके बाद में सेल डिवीजन के भी क्वेश्चंस बहुत से इजी थे, मैच द पेयरिंग भी था उसमें, और उसमें भी इवेंट वाला था, पहले कौन सा इवेंट होता है, बाद में कौन सा होता है, G1S G2, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इनको सिक्वेंस में अरेंज करना था, तो वो भी क्वेश्चन बहुत ईजी था।
उसके बाद बढ़ता है क्वेश्चन फोर, यूनिट फोर के तरफ, जो है प्लांट फिजियोलॉजी वाले यूनिट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, मिनरल न्यूट्रिशन, ओके, इस टाइप के लेसन यहाँ पे है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला जो लेसन है वो तो डिलीट हो चुका है, उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था आज के पेपर में। और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के जो क्वेश्चन थे वो भी इजी टाइप के ही थे, लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें इजी क्यों लगे या मेरे बच्चों को इजी क्यों लगे या मुझे इजी क्यों लगे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के साथ स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक भी रेफर करते हैं। आज के कंप्लीट नीट 2023 के बायोलॉजी के सेक्शन में 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिना बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक सॉल्व नहीं हो सकते। उसमें एक क्वेश्चन इवोल्यूशन का था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, कि कौन सी इरा में क्या अराइज हुआ, क्या एक्सटिंक्ट हुआ, ओके, तो वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जिन बच्चों ने बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक पढ़ी है बायो की, वही उसको अटेम्प्ट कर पाए। हिंड टू एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी, उसका एक क्वेश्चन था, वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में दिया है। उसके बाद और एक क्वेश्चन था, मैंने मेंशन करके रखा है, हाँ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, ये बोर्ड्स में दिया है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में, एक्स्ट्रा में, ओके। सो इसलिए ऐसे 3-4 क्वेश्चंस मुझे आज लगे कि हाँ, बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक अगर पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी में अगर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन शायद आज अटेम्प्ट नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट फाइव के तरफ। यूनिट फाइव मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जो बच्चों का नीट प्रिपेयर करने वाले बच्चों का काफ़ी फेवरेट यूनिट होता है। सो यूनिट फाइव के बच्चों यहाँ पे पूछे गए थे 13 क्वेश्चंस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के थोड़े मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस थे, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, बाकी तो लोकोमोशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन के काफ़ी इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन यूनिट सिक्स के तरफ हम बढ़ते हैं। तो यूनिट सिक्स में जिसको रिप्रोडक्शन का यूनिट बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, तो इस पर इस बार भी थोड़ा कम वेटेज दिया ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि सिर्फ 8 क्वेश्चंस पूछे गए इस यूनिट के। सो उसमें भी 3-4 प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे और 3-4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे, लेकिन ईजी लेवल के थे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 8 जिसको बहुत यूनिट सेवन जिसको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का यूनिट हम बोलते हैं, उसमें मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, ये 3 लेसन आते हैं। बाकी बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, पता नहीं क्यों, बट हमेशा मैं पढ़ाते वक्त मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ कि मुझे लेसन पढ़ाने बहुत अच्छे लगते हैं जेनेटिक्स के, क्योंकि उसमें लगता है कि हाँ, कुछ तो भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं या अच्छा कुछ पढ़ा पा रहे हैं। सो ये मेरे तो बहुत फेवरेट लेसन है और नीट वालों के भी शायद है, इसीलिए हमेशा हाईएस्ट वेटेज यहाँ पे रहता है जेनेटिक्स वाले पोर्शन पर। इस साल भी टोटल मिलाकर 16 क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स पर पूछे गए, कुछ थोड़े डिफिकल्ट नहीं बोल सकते बट मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल के थे और काफ़ी सारे जो थे वो इजी लेवल के थे। उसके बाद हम बढ़ते यूनिट 8 की तरफ जिसमें इम्यूनोलॉजी मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस और एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, बाकी तो एनिमल हस्बेंडरी वगैरह उसमें से डिलीट हो चुका है। सो इस पर ह्यूमन इम्यूनोलॉजी से कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे एंड बाकी अगर हम देखते हैं टोटल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वगैरह मिलाकर तो 8 क्वेश्चंस इस पर टोटल पूछे गए थे, 8 क्वेश्चंस का वेटेज था। यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी जो अकेला यूनिट है एनसीईआरटी में, 2 पार्ट में है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस, सो उसके हम देखते हैं टोटल 7 क्वेश्चंस यहाँ पे थे। उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि काफ़ी टफ लेवल का है बायोटेक्नोलॉजी का और मैं भी सोच में पड़ गई कि शायद बच्चों ने ये पता नहीं सॉल्व किया या नहीं किया। बाकी जो क्वेश्चंस थे यस दे वेयर फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल। देन लास्ट वाला यूनिट 10 जिसको हम इकोलॉजी वाला यूनिट बोलते हैं, एनवायरमेंटल साइंस वाला यूनिट बोलते हैं, सो इसके टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ऐसे अगर हम टोटल देखते हैं तो ये 100 क्वेश्चंस हमने डिवाइड कर दिए हैं इनटू 10 यूनिट्स कि कौन सी यूनिट को कितना कैसा वेटेज था। अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट के तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन टाइप एनालिसिस, कौन से टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड बिलीव मी बहुत इजी पेपर था, मतलब मैंने जब ये पेपर अभी घर पे सॉल्व किया जस्ट 35-40 मिनट में मैंने ये सेक्शन सॉल्व कर दिया और बहुत इजी था। उसका कारण भी आपको बताते हैं क्यों। यहाँ पे सबसे पहला हम लेते हैं तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे कितने थे, 6 इजी डायग्राम्स थी, इजी लेबलिंग थे, इजी क्वेश्चंस थे। उसमें एक फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन भी था स्पर्मेटोजेनेसिस पे, ABCD में क्या आना चाहिए ऐसा। उसके बाद में मैच द पेयर के 30 क्वेश्चंस थे। देखो मैच द पेयर के अलावा और कोई क्वेश्चन का टाइप नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, मतलब मैच द पेयरिंग में निगेटिवस में जाने के जो चांसेस है ऑलमोस्ट 0 होता है, 0, क्योंकि मैच द पेयरिंग में आपको जो ऑप्शंस है उसमें से
जनरली लिंक लगी जाती है, एक आधा ऑप्शन भले ही आपको ना पता हो। जैसे आज के मैच द पेयरिंग में ऐसे एक दो ऑप्शन थे बीच में, एक दो क्वेश्चन में, कि जिसका जिक्र एनसीईआरटी में कहीं नहीं किया है, बट बाकी के तो तीन डायरेक्ट है, तो वो भी आपको मिल ही जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि चार जो दिए होते हैं एबीसीडी, उसमें से एक तो पता है आपका कि सी का ए है या सी का वन है, ओके, तो इधर के सी का इधर वन है ये पता है। नीचे ऑप्शन में देखो सी का वन एक ही इसमें दिया है, मिल गया आपको आंसर और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो मैच द पेयरिंग फटाफट सॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं, तो इस बार मतलब ये पहले बार ऐसा है कि 30 मैच द पेयरिंग नीट में आपको पूछे गए, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद असर्शन रीजन टू माई सरप्राइज एंड टू योर सरप्राइज वॉज ओनली टू। लास्ट ईयर नीट 2023 में 11 टू 12 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे बायो में, और उसमें से भी कुछ कंफ्यूजिंग जरूर थे। इस बार सिर्फ दो थे, एक रिप्रोडक्शन पे था और एक दूसरे लेसन पे था, एंड दे वेयर नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बोथ आर ट्रू, फिर रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है नहीं है, कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन उसमें नहीं था। तो सिर्फ दो असर्शन रीजन इस बार पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद इस बार स्टेटमेंट भी ज़्यादा थे। स्टेटमेंट मतलब क्या, दो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, फिर नीचे ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट वगैरह, ऐसा तो उस टाइप के 10 क्वेश्चंस थे एंड दे वेयर ऑल्सो फ्रॉम इजी कैटेगरी, जल्दी से वो रिकॉग्नाइज हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद चूज करेक्ट ऑप्शंस थे 11। चूज करेक्ट ऑप्शंस मतलब क्या, यही क्वेश्चंस है जो बच्चों को काफी टफ लगता है, मतलब क्या, तो क्वेश्चन है चार अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं और फिर नीचे आपको चॉइस करना है कि उसमें से एबीसी करेक्ट है, सीडीई करेक्ट है, एसीई करेक्ट है, इस टाइप से। तो वो सिर्फ थे 11, ज़्यादा नहीं थे, और वो भी मॉडरेट कैटेगरी के ही थे, ठीक है। इसके बाद में सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन थे, सीक्वेंस मतलब जो मैंने अभी आपको एंजाइम का एग्जांपल देकर बताया था कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ वैसा वाला, तो ऐसे 2 to 3 क्वेश्चंस थे, एक एंजाइम, एक मैंने आपको सेल साइकिल का बताया, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस थे सीक्वेंस वाले। और इस बार की बहुत अच्छी दूसरी बात, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे 29। डायरेक्ट मतलब क्या कि एक क्वेश्चन और चार ऑप्शन, डायरेक्ट टिक करो क्वेश्चन, चार ऑप्शन डायरेक्ट टिक करो, कुछ स्टेटमेंट पढ़ते बैठने की जरूरत नहीं है। वो इस बार कितने थे, 29, बहुत ज़्यादा थे। मतलब मैच द पेयरिंग 30 और डायरेक्ट क्वेश्चंस 29, मतलब कुल मिला के आप पकड़ लो लगभग 50 क्वेश्चंस 100 में से ऐसे थे कि जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि निगेटिव में जाने के चांसेस जो थे वो ऑलमोस्ट निगेटिव थे, मतलब निगेटिव में जा ही नहीं सकते, ओके। ऐसे 50 क्वेश्चन तो आज के पेपर में बिल्कुल ईजी थे, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस भी ईजी थे, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है, आपको अगर आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, कन्फ्यूजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ पे क्रिएट होता है जब आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एंड स्टेटमेंट यहाँ पे आज कितने थे, ओनली 11, ओके। सो इस तरीके से आज का जो पूरा पेपर था वो एक मॉडरेट और इजी इस लेवल के बीच में से था। मुझे लगता है कि हमने नीट 2024 बायोलॉजी सेक्शन का पूरा डिसेक्शन आज कर दिया है, एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से यूनिट पे इस साल कितना वेटेज था, क्वेश्चन का टाइप क्या था, क्या क्या चेंजेस थे, फिगर बेस्ड ज़्यादा थे, डायरेक्ट ज़्यादा थे, मैच द पेयरिंग ज़्यादा थे, असर्शन एकदम कम थे, और स्टेटमेंट वाले चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले भी कम थे। तो अगले साल नीट 2025 में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो इन 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो स्टेटमेंट बेस के लिए कंटिन्यूअस एनसीईआरटी का रीडिंग रखो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ में स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का भी रीडिंग रखो, इक्वली वो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे अगले साल भी जिसका आंसर आपको स्टेट बोर्ड में मिलेगा। तो रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड ये बहुत ज़रूरी है, प्लस डायग्राम ड्रॉ करके देखना, उसके लेवल निकाल के देखना, ये भी ज़रूरी है ताकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो स्कोरिंग होते हैं जो साल 6 पूछे गए वो आप सॉल्व कर सकें। साइंटिस्ट के नेम और ईयर की और कंट्रीब्यूशन की बुक मैंने मेरे बच्चों को आपको बनाने के लिए बोला था कि एक बुक बनाओ 3 कॉलम, साइंटिस्ट नेम ईयर और कंट्रीब्यूशन। सो ध्यान दो, इस साल 2 क्वेश्चन थे साइंटिस्ट के नेम पे मैच द पेयरिंग, 2 क्वेश्चन थे, एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का था और एक जो था वो इकोलॉजी, हाँ इकोलॉजी के, मतलब यूनिट 10 के और यूनिट 7 के, ऐसे 2 क्वेश्चंस थे जिसमें एक तरफ साइंटिस्ट के नाम और एक तरफ उनका कंट्रीब्यूशन, ऐसा मैच द पेयरिंग का था। तो इसीलिए आप वो जो बुक है साइंटिस्ट नेम ईयर और कंट्रीब्यूशन का, वो भी अच्छे से मेंटेन करके रखो, एंड एमसीक्यू का प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ टेस्ट हम ले रहे हैं, उसमें से ज़रूर बहुत सी लिंक आपको लगती है, ओके। इवन आज के पेपर में तो 2 बार सेंट्रियोल का क्वेश्चन था और दोनों बार सेंट्रियोल को कार्टव्हील बोला था, तो इजी था उसका आंसर निकालना। तो ऐसे आपको कभी कभी पेपर के पेपर में ही थोड़े से लिंक और लॉजिक भी मिल जाते हैं,
ठीक है। सो आप भी ज़रूर नीट 2024 का जो आज का पेपर था वो सॉल्व कीजिए, जो बच्चे अगले साल नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आप भी अपना खुद का एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पे कम है, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपको मेरी मदद कभी भी लगती है तो यस आई एम देयर टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।